थैंक यू सो मच। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रही हैं आप, हाँ जी, किस तरह की फिल्म है और किस तरह की शूटिंग? ये एक फिल्म है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड स्पेशली। इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। बहुत ही रेगुलर, वेरी कनेक्टिंग फिल्म है, जो भी हमारे यू नो ऑल द लेडी स्पेशली वो कनेक्ट करेंगी ये फिल्म से। आपका क्या रोल होगा? मैं ऑब्वियसली एक मिडिल क्लास वाइफ प्ले कर रही हूँ, और मैं अगर पूरी फिल्म बता दूँगी तो शॉर्ट फिल्म है, मैं शॉर्ट में इतना ही बोल सकती हूँ कि और ऑब्वियसली आपको टाइटल से ही पता चलेगा कि यू नो इट्स ऑन एजुकेशन, बच्चों के लिए कितना, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन कम्प्लीट करना, एंड दैट्स वॉट वी आर सेइंग। Why is it important is also why we are saying. Short film stream में आपका आने का रुझान क्या है? Actually बहुत सारे short films देखते आ रही हूँ, बहुत सारे सुनते आ रही हूँ कि बहुत सारे लोग बना रहे। इनफैक्ट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर अ शॉर्ट फिल्म, क्योंकि आप एक, या तो आप एक छोटे टाइम में, शॉर्ट टाइम में आप एक पूरी स्टोरी बता सकते हैं, एक यू नो यू कैन सेंड आउट अ मैसेज टू समवन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आजकल टाइम नहीं है लंबी लंबी फिल्में देखने का, या लंबी लंबी कोई भी तरह की एंटरटेनमेंट देखने का। तो शॉर्ट फिल्म के जरिए यू नो एटलीस्ट यू कैन सेंड आउट द मैसेज। अभी आप आने वाले समय में आप किस तरह की फिल्मों के साथ आप जुड़ना चाहती हैं? आई मीन किस तरह का जॉनर आपको पसंद है? फिल्में तो अभी मैं अभी कोई नहीं कर रही हूँ, पर टीवी शो मैं कर रही हूँ अम्मा, जो जी टीवी पे आ रहा है, एंड आई मीन यू नो मैं जो भी काम आ रहा है वो खुशी खुशी ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम आ रहा है। सो आई एम जस्ट एक्सेप्ट फॉर फिल्म्स के लिए अभी मतलब मैंने वो एरिया में ज़्यादा कूदी नहीं हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ टीवी शोज तो मैं करती हूँ, स्टेज शोज, लाइव शोज मैं करती हूँ। So this is the kind of work that I'm actually right now doing. अच्छा, देखा जाए तो ज़्यादातर लोग अभी सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, शॉर्ट फिल्म अगर रिलीज होती है ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही अवेलेबल होती है, हाँ जी, ज़्यादा लोगों तक मैसेज नहीं पहुँच पाता, तो मैं जानना चाहूँगा ये मैसेज पहुँचाने का और कौन कौन सा जरिया होगा? देखिए, आप अगर बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया छोटा है तो आप आई डोंट थिंक दैट्स राइट। सोशल मीडिया आज बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। हर एक्टर का सोशल मीडिया अकाउंट आप खोल के अगर देखेंगे तो यू नो मोस्ट फेमस एक्टर्स, देयर बिलियंस मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है कि आजकल लोग उसी पे देखते हैं। 90% ऑफ द पीपल जो भी न्यूज़ मिलता है, जो भी यू नो एंटरटेनमेंट या सीरियस चीज़ें पता चलती है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही पता चलती है। आजकल लोग न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए, इनफैक्ट ट्विटर पे उनको न्यूज़ ज़्यादा पढ़ने मिलता है। सो आई मीन दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप कितनी एक्टिव, आपको कितना पसंद है सोशल मीडिया? मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, अभी हुई हूँ एक्टिव सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ है कि बहुत मिस आउट कर लिया मैंने लाइफ में। सोशल मीडिया इज़ अ मीडिया वेयर यू कैन कनेक्ट विद द वर्ल्ड, क्योंकि पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया पे घूम रही है। इनफैक्ट आजकल लैपटॉप्स बंद कर दिया लोगों ने उठाना, इनफैक्ट अपना फ़ोन पे ही सब लगे रहते हैं। सो सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कितना टाइम लगा आपको ये शॉर्ट फिल्म कंप्लीट करने में? अभी इनफैक्ट ये हम तीन शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं। एक तो एजुकेशन, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड के ऊपर है, और एक सेंसरशिप के ऊपर है। थर्ड फिल्म आई कैन नॉट रिवील राइट नाउ, दैट विल बी टॉक्ड अबाउट लेटर। बट शूटिंग का आई थिंक हम दो फिल्म आज एक साथ में ही ख़त्म कर देंगे। अच्छा, आजकल वुमेन ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, हाँ, काफ़ी असर भी समाज पर पड़ा, हाँ है जी, कोई आपका ओपिनियन? आई थिंक बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि आई थिंक लोगों का ये परसेप्शन पहले था कि यू नो वुमेन वर द डोमिनेटेड वन, मतलब लड़के, मैन यूज टू डोमिनेट द वुमेन टू मच। आजकल ऐसा हो गया है कि सब इक्वल हो गया है, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ वुमेन आर ओवरपावरिंग, डोमिनेटिंग, पता नहीं आजकल यू नो। सो आई मीन इट्स अ गुड थिंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वुमेन को चांस मिल रहा है, एटलीस्ट वुमेन आर टेकन सीरियसली टुडे। थैंक यू सो मच।
Thank you.